इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये महामुकाबला होगा और इसका हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पर हर एक फैंटेसी मैच का पूरा एनालिसिस कर सकते हो और इस मैच में हम सबसे बड़े मैच का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं। वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे तो फिर उसका जो कहते हैं ना हम नुकसान आपको ही होगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस एनालिसिस को। इंडिया पाकिस्तान दोनों की दोनों मजबूत टीम है और आपको एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर किसी को भी फेवर नहीं करेंगे, एक बैलेंस टीम बनाएंगे जो आपको फैंटेसी में जिताने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। तो ये मैच होगा कहाँ पे? तो चलिए हम यहाँ पर वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे चलते हैं। ये मैच होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। तो यहाँ का जो पिच होता है आमतौर पे बैलेंस होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को यहाँ पर इक्वली सपोर्ट मिलता है। और अगर आप रेशियो देखोगे बैटिंग और बॉलिंग का, आपको स्लाइटली बैट्समैन यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखोगे तो आपको 161 का ही नज़र आएगा। हर इनिंग में यहाँ पर लगभग 6 विकेट्स के आसपास गिर जाती है। और अगर आप यहाँ पर सपोर्ट देखोगे, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों में से किसी को सपोर्ट मिलता है तो पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा हम नीचे चलते तो देखो यहाँ पर चेजिंग टीम और बैटिंग फर्स्ट टीम दोनों के रिकॉर्ड्स आपको लगभग इक्वली दिखाई देंगे, दोनों को यहाँ पर इक्वल सपोर्ट दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पर लास्ट कुछ मैचेस देख लेते हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि इस मैच में क्या हो सकता है। देखो नामीबिया उसे आयरलैंड के बीच में यहाँ पर एक मैच हुआ था रिसेंटली। यहाँ पर जो नामीबिया की टीम थी उन्होंने 138 रन बनाए थे और आयरलैंड की टीम उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी। तो देखो यहाँ पर एक शॉकिंग सी चीज़ थी क्योंकि जो नामीबिया की टीम है वो थोड़ी सी कमज़ोर है आयरलैंड के मुकाबले, फिर भी आयरलैंड की टीम ऑल आउट हो गई थी 127 पे। तो क्लियर कट लो स्कोरिंग मैच था, बॉलर्स को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था इस मैच में। आप देख सकते हो बॉलर्स यहाँ पर ज़्यादा इसमें थे। और उससे पहले श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में भी एक मैच हुआ था, ये हाई स्कोरिंग मैच था। तो उल्टा हो गया, पहला मैच लो स्कोरिंग, ये मैच हाई स्कोरिंग। इस मैच में देखो श्रीलंका और जिम्बाब्वे, देखो जिम्बाब्वे इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है श्रीलंका के मुकाबले। आप देखोगे तो श्रीलंका की अगर आप देखोगे 188 का उन्होंने स्कोर बना दिया था 5 विकेट के नुकसान पे। और जिम्बाब्वे उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी, उन्होंने 155 रन फिर भी बना दिए थे। इस मैच में भी बैट्समैन थोड़े से इंपॉर्टेंट थे। और अगर आप उससे पहले की मैचेस देखोगे तो आपको एवरेज स्कोर यहाँ पर दिखाई देगा 154, 155 ये स्कोर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उससे पहले 143, 139 ये स्कोर आपको दिखाई देगा। देखो विकेट भी यहाँ पे गिर जाते हैं लेकिन स्कोर मीडियम ही बनता है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग में नहीं दिखाई देगा। और लो स्कोरिंग इनकेस दिखाई भी दे सकता है, पिच के ऊपर डिपेंड होगा। और जो रिसेंट मतलब जो फाइनल पिच रिपोर्ट होता है वो आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलता है। और परफेक्ट लाइनअप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिलेगा। इस मैच की जो फाइनल टीम है वो भी आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलने वाली है, तो आप इस लिंक को एक बार जरूर चेकआउट करना। अब हम यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं दोनों टीम्स का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये हम देख लेते हैं। पहले तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ओपन करेंगे केएल राहुल के साथ, वन डाउन आएंगे विराट कोहली। मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? देखो मिडल ऑर्डर में यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल इंडिया का मिडल ऑर्डर होगा। बॉलिंग ऑप्शंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडिया की तरफ से, तो इसमें अक्षर पटेल, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और यजुर्वेंद्र चहल इंडिया की तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या भी यहाँ पर थोड़े बहुत ओवर्स करके जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से है? देखो इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देखोगे केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, फॉर्म वाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रोहित शर्मा का अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा देखो यार फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन हम सब जानते हैं कि ये T20 आई के कितने बड़े प्लेयर है, ये 100 भी मार सकते हैं अपने दिन पे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप हार्दिक पांड्या का देखोगे तो मस्ट पिक आपके लिए होंगे, आप इन्हें कैप्टनसी भी दे सकते हो। और अगर आप बॉलिंग देखोगे तो बॉलिंग का सीन क्या होता है, देखो भुवनेश्वर कुमार जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है इनका परफॉर्मेंस हाई लेवल का होता है। मोहम्मद शमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा था। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे ना एक ही ओवर में इन्होंने 3 विकेट्स निकाल दी थी, तो इस तरीके के बॉलर है। यजुर्वेंद्र चहल का रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं लेकिन पोटेंशियली इन्हें, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है। हर्षदीप का देखोगे, हर्षदीप का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो इंडिया की तरफ से बॉलिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी चूज करने में क्योंकि इंडिया की तरफ से सारे अच्छे बॉलर है लेकिन आउट ऑफ द फॉर्म भी आपको दिखाई देंगे क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है ना एक कमजोर कड़ी इस मैच में आपको दिखाई देगी। और चलिए हम यहाँ पर जो पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 इसकी तरफ आप चलते। देखो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान यहाँ पर ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, वन डाउन आएंगे शान मसूद, फखर जमान भी आ सकते हैं। मिडल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो इसमें शादाब खान, उसके बाद खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, इनका यहाँ पर मिडल ऑर्डर रह सकता है पाकिस्तान का। देखो ये जो मिडल ऑर्डर या फिर प्रोबेबल प्लेइंग 11 फाइनल नहीं है, तो ये आपको टॉस के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे परफेक्ट लाइनअप पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शंस देख लेते हैं अब पाकिस्तान की तरफ से। तो इसमें एक तो मोहम्मद नवाज है, इफ्तिकार अहमद है, ये बॉलिंग ऑप्शंस है।
इसमें शादाब खान भी अच्छे खासा कंट्रीब्यूट करके देते। और अगर आप फास्ट बॉलर देखोगे तो इसमें शहीनशाह अफरीदी, उसके बाद हैरिस रूप, मोहम्मद वसीम और नसीम शाह, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी देख लेते इनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। देखो बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रूप, इन तीनों का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है रिसेंटली अगर आप देखोगे। अब हम दोनों टीम्स का जो डेथ बॉलिंग अटैक है वो देख लेते हैं, डेथ में कौन बॉलिंग करेगा। देखो इंडिया की तरफ से ज़्यादा चांसेस है डेथ में बॉलिंग करने के, वो रहेंगे मोहम्मद शमी के और भुवनेश्वर कुमार के, ठीक है। और यहाँ पर अर्शदीप सिंह भी अच्छे खासे ओवर्स डेथ में करके जा सकते हैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पर, ठीक है। पाकिस्तान का देख लेते हैं डेथ बॉलिंग, तो देखो ज़्यादा चांसेस है शहीनशाह अफरीदी डेथ बॉलिंग करा सकते हैं, नसीम शाह या फिर हैरिस रऊफ के साथ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं जो मेन प्लेयर्स से, उनके सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किसे आपको अपने टीम में लेना है और किसे छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पावर रैंकिंग के फीचर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर प्लेयर्स को रैंक किया जाता है और आप देख सकते हो जो टॉप प्लेयर्स है उनकी रैंक आपको यहाँ पर अच्छी दिखाई देगी। जितनी प्लेयर की रैंक अच्छी उतना है वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो केएल राहुल का रिकॉर्ड हम शुरू करते हैं केएल राहुल से। केएल राहुल लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, तो इस मैच में भी उनकी ड्रीम टीम में रहने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी, तो ये हमारे टीम में रहेंगे। इनका बैटिंग फर्स्ट में क्या एवरेज होता है 67 का ये आपको दिखाई देगा, चेजिंग में इनका 55 का होता है। तो देखो बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग दोनों एवरेज आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इसलिए हमने इन्हें अपने टीम में लॉक कर लिया है। रिसेंट फॉर्म भी देख लेते हैं हम इनका, ठीक है। इनका रिसेंट फॉर्म है, ये जो स्टार दिखाई दे रहा है ना आपको, ये स्टार किस चीज़ का है, ये ड्रीम टीम में जब भी रहते हैं तो आपको उनके फैंटेसी पॉइंट्स के साइड में स्टार दिखाई देता है, तो ये लगातार फैंटेसी पॉइंट्स में भी रहे हैं यानी ड्रीम टीम में भी रहे हैं, तो इसलिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलते हैं इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है, ये ध्यान में रखना। तो रिस्क लेके छोड़ भी सकते हो, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं इनका। इनका टी ट्वेंटी आई फॉर्मेट में रिकॉर्ड देख लेते, फिलहाल इनका 2022 में 39 का एवरेज चल रहा है, ठीक है। और 135 का आपको इनका स्ट्राइक रेट दिखाई देगा, तो देखो रिकॉर्ड वाइज केएल राहुल आपके टीम में होने चाहिए, इसलिए इन्हें अपने टीम में हमने पिक किया है। तो चलिए हम यहाँ पर अगले प्लेयर की तरफ अब चलते, तो बाबर आजम का रिकॉर्ड देखेंगे। बाबर आजम लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। इनका बैटिंग फर्स्ट में 46 फैंटेसी पॉइंट का एवरेज है, चेजिंग में 46 का ही है और कंसिस्टेंट रहते हैं हमेशा, आप देख सकते हो लगातार इन्होंने ड्रीम टीम में अपनी जगह भी बनाई है। ये दो मैचेस अगर आप छोड़ दो तो उससे पहले इनका जो फॉर्म था वो काफ़ी अच्छा था। और अगर आप इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे तो देखो चीजिंग में इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में इनको छोड़ने का रिस्क भी आप ले सकते हो। ऑन दिस वेन्यू देखोगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। टी ट्वेंटी आई का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं हम इनका, 2022 में इनका 32 का एवरेज है और 126 का स्ट्राइक रेट है, तो ठीक है रिकॉर्ड एवरेज इनका और हमारे टीम में ये रहेंगे भी, ठीक है। हैरिस रऊफ का यहाँ पर रिकॉर्ड देखते हैं, हैरिस रऊफ बीबीएल में भी खेल चुके हैं और बीबीएल में इनका परफॉर्मेंस भी आपने देखा होगा, 4-4 विकेट्स इन्होंने इवन एक एक मैच में निकाली हुई है। तो देखो हैरिस रऊफ आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे, इस मैच में अगर ये खेलते तो आपकी टीम में ये होने चाहिए। आप देख सकते हो देखो लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। पहले तो बैटिंग फर्स्ट में इनका 50 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में ये 52 का है, तो कंसिस्टेंट है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में। और रिसेंट फॉर्म देखना, ये मैच छोड़ दो आप, उससे आप देख सकते हो सारे मैचेस में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ड्रीम टीम में भी ये रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इन्हें अपने टीम में ज़रूर लेंगे। इंडिया के खिलाफ जब भी खेलते हैं एवरेज परफॉर्मेंस इनका रहता है, वेन्यू पे परफॉर्मेंस देख लेना, 72 फैंटेसी पॉइंट्स, 57 फैंटेसी पॉइंट्स, तो वेन्यू रिकॉर्ड तो काफ़ी ज़बरदस्त है यार। और टी ट्वेंटी आई का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो टी ट्वेंटी आई में मैचेज में इन्होंने लगभग 54 विकेट्स यहाँ पर निकाल के रखी है, तो काफ़ी अच्छे विकेट्स इन्होंने निकाले, आप देख सकते हो 54 विकेट्स। तो हैरिस रऊफ हमारी टीम में रहेंगे, हमने इन्हें लॉक भी कर रखा है। हम चलते हैं अरजदीप सिंह का जो रिकॉर्ड है इसे देख लेते। अरजदीप सिंह लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट में इनका 41 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में बढ़ के 68 का ही हो जाता है, तो चेजिंग में अरजदीप सिंह आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो देखो ये दो मैचेस में इन्होंने 100+ फैंटेसी पॉइंट्स भी दिए हैं, तो इससे क्या पता चलता है, देखो अगर ये एक आध मैच चल गए तो ये 100 फैंटेसी पॉइंट्स का जो आंकड़ा है उसे भी छू सकते हैं। विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत है इनमें, अगर डेथ में बॉलिंग करते तो आपके लिए और भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखोगे तो चेजिंग में देखो 70 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अरजदीप सिंह को चेजिंग में आपको छोड़ना नहीं है, आपके टीम में होनी चाहिए। टी ट्वेंटी आई का देखते तो टी ट्वेंटी आई का जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हो, इन्होंने टोटल 32 मैचेस के लिए जिसमें 38 विकेट्स इन्होंने निकाल के रखी है, तो अरजदीप सिंह हमारे टीम में रहेंगे। अब हम चलते यहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड देख लेते। विराट कोहली लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके, बैटिंग फर्स्ट में इनका 70 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है,
और अगर आप इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे विराट कोहली का, तो आप देख सकते हो रिसेंट परफॉर्मेंस भी का अच्छा है। ये अल्टरनेटिव मैचेस में यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी वाइज एक अच्छे पिक आपके लिए होंगे। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखोगे तो पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग फर्स्ट में इनका 82 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में 48 का आपको दिखाई देगा। ऑन दिस वेन्यू अगर आप देखोगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं। बाय फॉर्मेट में हम चलते टी ट्वेंटी आई का रिकॉर्ड देख लेते, तो देखो 26 का एवरेज आपको ये दिखाई देगा। और अगर आप देखोगे ओवरऑल तो एक अच्छी पिक आपके लिए विराट कोहली होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ का रिकॉर्ड देखते हैं। देखो मोहम्मद नवाज़ के ऊपर ज़्यादातर लोगों का फोकस नहीं रहेगा, लेकिन जब भी इंडिया के खिलाफ मैच हुआ है तब तब मोहम्मद नवाज़ ड्रीम टीम में भी रहे हैं और इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया हुआ है। देखो बैटिंग फर्स्ट में 27.7 का एवरेज दिखाई देगा, चेजिंग में आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 64 का आपको ये दिखाई देगा। फिर और रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो रिसेंट फॉर्म भी आपको काफ़ी सही दिखाई देगा इनका। तो चलो हम यहाँ पर अब इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। देखो इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड 92 फैंटेसी पॉइंट्स, 121 फैंटेसी पॉइंट्स, ये काफ़ी अच्छा डेटा है। तो देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के हम इन्हें अपने टीम में ज़रूर लेंगे। एक तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते, अटैकिंग बैटिंग कर लेते, स्ट्राइक रेट देखो 147 का आपको दिखाई देगा। इन्होंने 25 मैचेस में 26 विकेट्स भी यहाँ पर निकाल के रखी, तो एक अच्छे ऑलराउंडर टीम में आप इन्हें ले सकते हो, मैंने लिया है। और हम चलते सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड देखते हैं। सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक होंगे, रिसेंट फॉर्म लाजवाब चल रहा है इनका। देखो लास्ट 10 मैचेस में से 65 मतलब बैटिंग फर्स्ट में इनका 65 फैंटेसी पॉइंट्स होता है एवरेज, और चेजिंग में 41 का होता है। लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके और 2 बार बॉटम 20 में भी रह चुके हैं, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म हम देख लेते, देखो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका पिछला मैच था वो काफ़ी अच्छा गया था, उससे पहले भी एक मैच में इन्होंने परफॉर्म किया था। ये 2 मैचेस फ्लॉप गए, 2 मैचेस ही चले हैं, तो अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम इसे। लेकिन उससे पहले देखो ये 3 मैचेस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दौरा ले लो, तो वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और ये मैच लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सूर्य कुमार यादव के लिए, तो हम इन्हें अपने टीम में जरूर लेंगे। लॉक भी किया हुआ है हमने सूर्य कुमार यादव को। तो चलिए हम यहाँ पर अगले प्लेयर की तरफ चलते, तो हम यहाँ पर शादाब खान का रिकॉर्ड देख लेते। देखो शादाब खान बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देके जाएंगे। इनका बैटिंग फर्स्ट में 46 फैंटेसी पॉइंट का एवरेज है, चेजिंग में 30 का है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो रिसेंट फॉर्म में आप देख सकते हो काफ़ी आपको अच्छा ही दिखाई देगा। और अगर आप हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखोगे इंडिया के खिलाफ, चेजिंग में अच्छा होता है थोड़ा सा, बैटिंग फर्स्ट में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। हम इनका टी ट्वेंटी आई का ओवरऑल रिकॉर्ड देखते, तो देखो 39 मैचेस में इन्होंने लगभग 45 विकेट्स निकाल के रखी है। और बैटिंग ऑर्डर भी कभी भी प्रमोट हो जाती है हिटिंग के लिए, तो 13 का एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है। तो ये कुछ शादाब खान का डेटा है, हमने इन्हें अपने टीम में फिलहाल तो लॉक नहीं किया है, लेकिन आप इन्हें लॉक भी कर सकते हो। जो बाकी के प्लेयर्स का डेटा है वो आपको परफेक्ट लाइनअप पे मिलेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप यहाँ पर परफेक्ट लाइनअप पे आओ और इस डेटा को आप यहाँ पर देखो। देखो हम यहाँ पर पूरा डेटा हमने ऑलरेडी देख के रखा है, पूरा एनालिसिस करके भी हम यहाँ पर आपको टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कस्टम टीम बिल्डर के ऑप्शन पे चलते। तो देखो कस्टम टीम बिल्डर ग्रैंड लीग्स की टीम अगर आप बना रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो हम यहाँ पर कस्टम टीम बिल्डर के ऑप्शन पे आ जाते। देखो यहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप बैटिंग बॉलिंग का नंबर फिक्स कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर देख लेते, तो देखो ये जो मैच है ये आपको थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर कुछ फिक्स तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन, रिसेंट परफॉर्मेंसेस और ड्रीम टीम अपीयरेंसेस। तो देखो हम परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन की बेसिस पे कुछ टीम्स यहाँ पर बना रहे हैं, आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रख के भी कस्टम टीम बिल्डर से टीम बना सकते हो और ड्रीम टीम अपीयरेंसेस का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ ग्रैंड लीग की टीम्स बना लेते, तो चलो हम यहाँ पर 20 टीम सेलेक्ट कर लेते। अब आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है, जब भी आप प्लेयर्स का डेटा पूरा देख लेते हो, आपको यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्लेयर है इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो आपके सामने उसका पूरा डेटा आ जाता है। और आपके सामने फिर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो प्लेयर को लॉक करने का होता है और दूसरा होता है प्लेयर को एक्सक्लूड करने का। तो अगर आपको प्लेयर का डेटा काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि वो आपकी टीम में होना चाहिए, तो आपको उसे लॉक कर लेना है। और अगर प्लेयर का डेटा ख़राब है तो आपको उसे अपने टीम से हटा देना है, एक्सक्लूड का साइन है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को लॉक किया है, कुछ प्लेयर्स को एक्सक्लूड किया है, और पूरा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेने के बाद नीचे जनरेट टीम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट टीम के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो ग्रैंड लीग की टीम है वो बन के आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो ये कुछ ग्रैंड लीग की टीम है, आपको जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, मैं एक स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से इनका यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये कुछ ग्रैंड लीग की टीमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर अपनी स्मॉल लीग की टीम की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारी मेन टीम रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी स्मॉल लीग की टीम की तरफ चलते, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने मोहम्मद रिजवान को अपने टीम में लिया हुआ है। अगर आप बैटिंग देखोगे तो बाबर आजम, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ये हमारे टीम में रहेंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नवाज़ और हार्दिक पांड्या को हमने अपने टीम में जगह दी है। बॉलिंग देखोगे तो मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, इंडिया की तरफ से 3 फास्ट बॉलर हमारी टीम में, और शाहीन अफरीदी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है।
कैप्टनसी दी है सूर्य कुमार यादव को, वाइस कैप्टनसी दी है हार्दिक पांड्या को। देखो इंडिया को फेवर कर रहे हो इस टीम में और हम सब इंडिया को ही यहाँ पर फेवर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान को फेवर करके टीम बना रहे हो फैंटेसी की, तो आप वो भी बना सकते हो। सारा डेटा आपके सामने, ये परफेक्ट लाइनअप है और आपको यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाता है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। ये टीम फाइनल टीम नहीं है, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, फाइनल टीम आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलेगी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से यहाँ पर साइनअप करो आप, और बाकी का जो डेटा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए, ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा मतलब लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इससे, तो आपको इसे लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।